सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है फॉक्सवैगन की सबसे स्टाइलिश कार वर्तुस, और इसका टॉप मॉडल है जीटी स्पोर्ट वेरिएंट, और काफ़ी ये पॉपुलर कार भी है, अपने स्टाइल और बेस्ट हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, और ये अपने अन्य मॉडल से कितनी है अलग। वर्तुस जीटी स्पोर्ट्स का लुक स्पोर्टी और क्लासिक है। इस कार के चारों ओर ब्लैकआउट एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो इसके लुक को पूरा करते हैं। वहीं इसमें फुल एलईडी हेडलैम्प्स और टेल लाइट्स दिए गए हैं जो गाड़ी को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। ये वर्तुस का टॉप मॉडल है, यही वजह है कि इस नए टॉप वेरियंट के फ्रंट ग्रिल पर जीटी बैडिंग देखने को मिलेगी जो इसके स्पोर्टी अपील को और भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसके एक्सटीरियर में 16 इंच अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर जैसे आकर्षक फीचर शामिल हैं। इंटीरियर की बात करें तो स्पोर्टी सेडान में प्रीमियम केबिन आप देख सकते हैं। इसके अंदर डुअल टोन केबिन, लेदर सीट्स और रेड स्टिचिंग के साथ स्पोर्टी थीम देखने को मिल सकती है। वहीं इसमें 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर डिजिटल कॉकपिट भी मिलता है। इसके जरिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ इसे ड्राइविंग के लिए और भी इंटेलिजेंट बनाया गया है। फीचर्स के मामले में भी ये कार आगे है। प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार के अंदर 6 एयरबैग, ESC और हिल बोल्ट कंट्रोल, 5 स्टार एनकैप रेटिंग वगैरह मिलती है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। वर्तुस जीटी स्पोर्ट्स में 1.5 लीटर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसमें 7-speed DSG यानी डुअल टच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दिया गया है जो अपने स्मूथ और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। कंपनी का दावा है कि ये स्पोर्ट्स सेडान 18-20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है जो डेली कम्यूट करने वाले ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। वर्तुस जीटी स्पोर्ट्स उन ड्राइवर्स के लिए एक शानदार विकल्प है जो स्टाइलिश, पावरफुल और टेक्नोलॉजी से भरपूर सेडान चाहते हैं। हालांकि अगर आपका बजट सीमित है या आपको ज्यादा जगह चाहिए तो हो सकता है ये आपकी पहली पसंद ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस और स्टाइल के लिए ये बेस्ट इन क्लास साबित जरूर हो सकती है। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। अब बात कर लेते हैं इसके खूबियों और खामियों के बारे में। तो इस कार के अंदर आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 148 BHP की पावर और 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। आपको लगेगा कि 1.5 लीटर इंजन है तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, तो 250 न्यूटन मीटर की इसकी जो पीक टॉर्क है वो आपको काफ़ी, जब आप सड़क पर क्रूज करते हैं या फिर आप किसी कार से ओवरटेक करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये रही इसकी खूबियाँ, और इसकी और भी ढेर सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि इस कार का जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम है, इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्पोर्टी है, और सेफ्टी के मामले में भी ये कार काफ़ी अच्छी है, अच्छा खासा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है फॉक्सवैगन, इस चीज़ के लिए हमेशा से जानी जाती है। जर्मन कंपनी है तो जो जर्मन मशीन है लोग उससे वैसे ही काफ़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उसका जो इंजन होता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और लोग काफ़ी उसको पसंद भी करते हैं। अब बात करते हैं इसके खामियों की। तो जो इसकी कीमत है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि 17.5 लाख एक्स शोरूम कीमत के आसपास ये कार आती है, जो उन बायर्स से थोड़ी सी पहुंच से दूर हो जाती है जिनका बजट 10 से 15 लाख के बीच में होता है, और वो एक इसी तरीके की परफेक्ट कार की तलाश करते हैं। और कंपनी का भी जो एम है और जो टारगेट है वो उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जो एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जो काफ़ी स्टाइलिश हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, और एक अच्छा खासा सेफ्टी पैकेज उस कार के अंदर मिले। तो अगर आप भी किसी ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो कार है थोड़ी सी हट कर दिखे, तो आप एक बार कम से कम इस कार का टेस्ट ड्राइव लेना ना भूलें।